भारतमाला परियोजना का दूसरा चरण को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। भारत की हाईवे को 2024 तक अमेरिका जैसी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए टाइम बॉन्ड मिशन मोड के तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस साल 16,000 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसे अगले 5 साल में बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है, जिससे सभी रेलवे फाटक हट जाएंगे। अगर भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल जाती है तो इसके शुरुआत में ही 5,000 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना देश में 580 से अधिक जिलों को जोड़ने वाली 35,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। देश में कोयला और स्टील में प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल आते हैं, जहां से गवर्नमेंट को बहुत फायदा मिलता है। इसके लिए यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फोकस किया जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो सके। अभी देश में 1500 करोड़ रुपए की लागत से 635 किलोमीटर लंबा रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इससे कोयला, स्टील, सीमेंट और खनिज तेजी से आवागमन किया जा सकेगा। इसके अन्य प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी रांची हावड़ा 620 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 6,300 करोड़ रुपए की लागत से रांची संबलपुर 230 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये हाईवे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिससे इन राज्यों को ही नहीं बल्कि देश को भी फायदा मिलेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।